रायपुर में महापौर प्रमोद दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सामान्य सभा विवाद को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा को लेकर महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि बजट गिरा नहीं है। 3 तारीख का सम्मेलन सभापति द्वारा किया गया, उसे शून्य करने की मांग शासन से करेंगे। सभा में एजाज डेबर को सभापति ने निलंबित किया है, जो पूरी तरह से अनुचित था और निलंबन का अधिकार उन्हें नहीं है। प्रमोद दुबे ने सभापति से कहा है कि सभापति के स्थान पर किसी नामित व्यक्ति द्वारा सदन चलाया जाए। सभापति पर विश्वास नहीं है। इस बार के बजट में संपत्ति कर 50% कम करने का प्रावधान हमने रखा है। निगम क्षेत्र के सभी परिवारों के राशन कार्ड बनेंगे। 3 तारीख को जो सामान्य सभा थी वो शून्यता की श्रेणी में है, उसको शून्य किया जाए करके हम शासन के समक्ष माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी के पास जाएंगे। हम तथ्यात्मक बातों को लेकर हम शासन के समक्ष रखेंगे। हो सकता है 3 तारीख की जो सामान्य सभा हो वो चूंकि कोई कार्यवृत्त उस पर दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि उस दिन के उसका कोई औचित्य नहीं रहा। जनता के पैसे की जबरदस्ती बर्बादी उन्होंने की है।